मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी और टेरर फंडिंग के मामले में लाहौर जेल में बंद आतंकी हाफिज सईद को 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जमात उद दावा के प्रमुख सईद को सजा का ऐलान कर दिया है। बिहार में नई सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बन गई है, लेकिन विवादों से दामन अब भी नहीं छूट रहा है। नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर मेवालाल चौधरी भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से विरोधी दलों के निशाने पर हैं। डॉक्टर मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद बिहार के भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अशोक चौधरी पहले भी शिक्षा मंत्रालय संभाल चुके हैं। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने बिहार की नई सरकार पर निशाना साधा है। अनवर ने कहा है कि नई सरकार में नीतीश कुमार की कुछ नहीं जल रही है और सभी कामकाज बीजेपी कर रही है। ये कठपुतली सरकार है और ये कब तक चलेगी कहना मुश्किल है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के पिता प्रभु दयाल का निधन हो गया है। वो 95 साल के थे, जबकि उनके निधन पर बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा समेत तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शोक जताया है। आपको बता दें कि मायावती के पिता प्रभु दयाल दिल्ली के रकाबगंज में रहते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के बाद उनका यह पहला भोपाल दौरा है। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यह फैसला सीएम शिवराज और पार्टी लेगी। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। राजधानी में कोरोना की बढ़ती तेज रफ्तार को लेकर दिल्ली सरकार ने कई बड़े अहम फैसले लिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला है कि अब राजधानी में मास्क नहीं पहनने वालों पर 2,000 रुपया का जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई को किसी राज्य में जांच के लिए वहां की सरकार से इजाजत लेना जरूरी होगा। संविधान के संघीय चरित्र के तहत ये प्रावधान है। ऐसे में सीबीआई को राज्य की सहमति लेनी ही चाहिए। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कल सुबह 11 बजे अंबाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के वॉलंटियर बनने जा रहे हैं, जहां उन्हें कोवैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। विज ने यह जानकारी खुद ट्वीट कर दी है। उत्तराखंड में स्थित हिंदुओं का पवित्र तीर्थ बद्रीनाथ धाम के कपाट सर्दियों के मौसम में हर बार की तरह इस बार भी बंद कर दिए गए हैं। अलकनंदा नदी के किनारे स्थित ये हिंदू धर्म के 4 धामों में शामिल है। यहाँ भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं।